जय जिनेंद्र, स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम आपकी राय में। इस प्रोग्राम में हम एक सोशल मुद्दे पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आज का हमारा विषय है लैपटॉप और मोबाइल फोन्स के ऊपर कि कैसे कोरोना काल में हम इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए, कैसे ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। तो उसके लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम आपकी राय। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? डॉक्टर सरिता बहल, प्रिंसिपल देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर वीमेन लुधियाना। तो मैम, जो आज की डेट में हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, मतलब इनका हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल्स के बारे में मैं कहूँगी कि जैसे हम अपने कॉलेज में अलाउ नहीं करते थे, इवन बच्चे फ्री भी हैं, उनका लेक्चर नहीं भी लग रहा, तो भी उस समय कि आप इंटरेक्टिव अपनी एबिलिटीज़ को सुधारिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स को सुधारिए, हम इस बात को बहुत तवज्जो देते थे। लेकिन वही चीज़ जिसको हम इतना अवॉइड करते थे कोरोना पीरियड में, वही ऑनलाइन में सर्वाइवल का आपका सबसे बड़ा साधन बन गया। पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास और कोई चारा नहीं था, तो अब वही मोबाइल आपके लिए सबसे ज़्यादा वरदान साबित हुआ। तो बुराई मोबाइल में नहीं है, बुराई इस चीज़ में है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि आप उसको अपना मास्टर बनाते हैं, कि आप खुद उसके स्लेव बन जाते हैं। आप उसके मास्टर बनेंगे तो इट इज़ बेस्ट कि आपको कब किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। मैम, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपके डेस्क पे दो मोबाइल फ़ोन्स पड़े हैं, दो लैंडलाइन फ़ोन्स पड़े हैं, तो मतलब ये है कि आप बच्चों को तो रोक रहे हो, तो आपके पास इस टाइम खुद चार फोन्स पड़े हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को इसलिए रोकते हैं कि आप अपना ध्यान किताबों की तरफ लगाइए, लेकिन हमको काफ़ी काम मोबाइल के थ्रू करने होते हैं, जैसे मेल चेक करनी है या लेटेस्ट कोई नोटिफिकेशन आई है। एज़ हम बहुत सारे ऑफिस से जुड़े होते हैं, DC ऑफिस है, UGC का ऑफिस है, DPI का ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज़ का है, तो उन सब से हम जुड़े होंगे, तो हम अपनी नोटिफिकेशन यहाँ से ही चेक करेंगे। तो जो टेलीफोन ये सेट की बात पड़ी है, तो वो एक तो सारे हमारे ऑफिसेस को लिंक करते हैं, एक वो है और एक लैंडलाइन नंबर। अब सिंस हमारी कनेक्टिविटी हम इजीली अवेलेबल हो जाए, दैट्स व्हाई हम इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैम, एक ना इस पे बड़ा ही मतलब अच्छा मुद्दा बनता है एडिक्शन पे, मतलब हम इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं। रात को बेड पे जब हम जाते हैं तब हमारे हाथ में फ़ोन होता है, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम फ़ोन को देखते हैं, तो मतलब इस पे आपकी क्या राय है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं हम, इतनी क्या एडिक्शन हो गई हमें? हाँ, एडिक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी हो गई है अब, क्योंकि हमने जैसे बात किया कि अब हमारे हाथ में हैंकी हो ना हो, मोबाइल ज़रूर होता है, या वॉच हमने लगाई हो नहीं लगाई हो, लेकिन हमारे पास मोबाइल ज़रूर होता है। अब क्योंकि इसने हमारी लाइफ को आसान भी बना दिया है, हम इजीली अवेलेबल भी हो गए हैं, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और समटाइम्स हमारे दिमाग पे इसका इतना प्रेशर हो गया है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशंस बिना बात के चेक करने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं चाहिए, वो एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि थोड़ा टाइम हमें नेचर की सराउंडिंग्स में रहना चाहिए, मोबाइल को थोड़े से अपना परे करके, और अपने आप को कुछ इंटरेक्टिव उसमें लगाएं, या फिर हम मेडिटेशन में थोड़ा सा पार्ट अपना लाइफ। मैम, जैसे मैं देख रही हूँ आपने वॉच पहनी हुई है, पर अगर मैं अब भी आपसे टाइम पूछूंगी ना, तो आप अपने मोबाइल को उठाओगे, मतलब इतना ज़्यादा हम मोबाइल में घुस चुके हैं, या मतलब इतना ज़्यादा हम लैपटॉप्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमें मतलब जो हम एक वॉच है ऐसे टाइम देखना ईजी है, उसका हम बटन प्रेस करेंगे तो वो होगा, तो मतलब उस पर मतलब आप मतलब सोच के देखो कि सिर्फ इतना ही करना है, पर उस पर हम बटन दबाएंगे फिर भी हम उस पर जा रहे हैं, हम आसान रास्ते को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा इसलिए कि हम क्योंकि हर बात के लिए मोबाइल पर ही इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अब वॉच को तो एक ऑर्नामेंट की तरह लेने लग पड़े हैं। अब इतनी ज़्यादा हम डिपेंडेंट क्यों हो गए हैं, ये अब ये क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, और हमने इसको कैसे रोकना है ये एक दूसरा सवाल इसके लिए आता है। तो अब हमने उसके लिए इतना डिपेंडेंट नहीं होना, जैसे मैंने शुरू में भी अपनी बात में कहा कि हमने इसको अपना मास्टर नहीं बनने देना, ऑल द बहुत फ़ायदे हैं। अब ये गैजेट्स थे तो शायद मैं तो इसको एक ब्लेसिंग की तरह भी मानूंगी कि हमारे बच्चे जो बेंगलोर वगैरह में काम करते हैं, ये कोरोना का पीरियड आया तो वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया, तो वो 6 महीने हमारे पास रहे, तो हमें तो ये बून भी लगा, किसी तरह से ऐसे लगा है, लेकिन इसको इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जो आपके लाइफ में आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो मैम, जो लॉकडाउन में हुआ, मतलब हम पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट थे, अगर हमारे PM मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इस पे डिपेंडेंट थे, अगर हमने राशन लेने जाना है तो भी हम इस पे डिपेंडेंट थे, मतलब एक इमेजिनेशन है कि अगर ये ना होता उस टाइम पे, हमारे पास मोबाइल ना होते, लैपटॉप्स ना होते,
तो हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। वो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि बूम आया, बूम पीरियड था वो, आपको अच्छा लगा, आपकी फैमिली आई, मतलब तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होना था। तो उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि अगर ये गैजेट्स नहीं होते, मोबाइल नहीं होता, तो मे बी हम अपने आप को ऐसे फील कर रहे होते जैसे हम किसी आइलैंड पे हैं और बिल्कुल अकेले हैं। आप सारी दुनिया से अकेले एक आइलैंड पे हैं और आप उस दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं, तो उस समय भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता। तो एक कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा साधन बना है, तो जिससे हम अपने आप को अपने वेल विशर्स का हालचाल भी पूछ पाए, उनको हौसले में भी रख पाए और सबका ध्यान भी रख पाए, या हम कोई सलाह भी ले पाए किसी से, तो ये एक इस पीरियड में तो एक वरदान ही साबित हुआ है। तो मैम, जैसे आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो मैं एज अ, मतलब आपका प्रोफेशन है कि है आप बच्चों को टीच करती हैं, गाइड करती हैं, तो मतलब मैम इस पे आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, मतलब वो क्या करें और कैसे करें ताकि वो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ भी ना करें, इसकी एडिक्शन भी ना लगाएं, पर इसका इस्तेमाल अच्छे से करें, ढंग से करें। इसलिए कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती और कोई भी चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती, मैं जनरली इसे बात करूँगी। जैसे एक नाइफ़ है, आपको उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। अब ये नहीं कि नाइफ़ से अगर बच्चे का हाथ कट गया तो नाइफ़ बुरा है, आपको वो हैंडल करना नहीं आया। सेम मोबाइल से आप, उसके आने से आपकी लाइफ आसान भी हुई है, बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। कितना इस्तेमाल करना है बहुत ज़रूरी में आप अपना उसको डिसाइड कर लीजिए, कितने से कितने आपको इस्तेमाल करना है, किस एक्टिविटी के लिए करना है। और एक काफ़ी टाइम आप एक अपने लिए रखिए, नेचर की सराउंडिंग्स में जाइए, आप अपनों का हाल बातचीत करके भी पूछिए, आप उनके पास भी जाइए, और जितनी ज़्यादा वार्म्थ आप इंटरेक्शन भी दिखाएंगे। अभी कोरोना के पीरियड में थोड़ा बच कर रहे हैं, मना किया हुआ है कि एक दूसरे के पास नहीं जाना, लेकिन आप मेडिटेट भी कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि हर समय मोबाइल को अपने हाथ में रखिए, थोड़ा दूरी रखेंगे तो आप अपने आप में ही आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद। चलो मैम, एक पर्सनल क्वेश्चन भी इस पे, आप कितने टाइम मतलब फ़ोन यूज़ करते हो? हाँ, ऑलमोस्ट मे बी 7 आवर्स, इट मे बी, क्योंकि आजकल हम मेल्स भी इसी पे देखते हैं और बात भी करते हैं, और किसी के पास जैसे आना जाना नहीं है, समटाइम्स इंस्ट्रक्शंस भी ऑनलाइन हम स्टाफ को ऐसे ही दे देते हैं। काफ़ी इस्तेमाल है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम बातें ही करके, तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है और टू द पॉइंट हम किसी से बात कर सकते हैं तो इट्स गुड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्कूल के प्रिंसिपल के बिल्कुल ही व्यूज़ बदल दिए इन्होंने, जो एक लॉकडाउन लगा था उस पे, पहले वो इसके खिलाफ थी पर अब वो इसकी सराहना भी करती हैं। उनका कहना है कि अगर इनका नुकसान भी है तो इसका फ़ायदा भी है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम फ़ोन में घुसे रहे, आप नेचर के पास जाएँ, आप अपनों से बात करें। खैर, ये थे इनके पर्सनल व्यूज़, बाकी के आगे हम बात करेंगे और लोगों के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे शो आपकी राय में। हाँ जी, हाँ जी मैम, थैंक यू। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो? मेरा नाम संजीव शर्मा है मैम, मैं एथलेटिक कोच हूँ पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मोबाइल और लैपटॉप्स पे है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे है, आप एक कोच हो, तो मतलब आपका, आपकी ज़िंदगी में इन मोबाइल और लैपटॉप्स का क्या मतलब महत्व है, क्या इसकी ज़रूरत है? मैम, ज़रूरत वैसे भी आपको पता है, जैसे हर चीज़ का मतलब एक अच्छा भी, मतलब यूजेज करने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। फिलहाल जो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मतलब हमारे तो नेगेटिव इफेक्ट ही आते हैं स्पोर्ट्स में। मतलब अगर बच्चे रात को लेट नाइट यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया यूज़ पे मतलब जो भी लगे रहेंगे जिसको बोलते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं हो पाती बस ढंग से ना। तो बाकी ये भी है, अभी जितना ये चीज़ें मतलब हमारे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रही हैं, उतना मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिवली नहीं है मतलब उतना ना। तो अब लेकिन अभी मजबूरी है, पेरेंट्स की भी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, सारा कुछ गैजेट तो मतलब देने ही पड़ रहे हैं सबको ना, मोबाइल यूज़ मतलब मोबाइल यूजेस हो ही रहा है, मतलब कंपल्शन टाइप ही हो गया या मजबूरी टाइप ही हो गया। पर बेसिकली देखा जाए तो अगर मतलब मेरी तरफ से अगर मैसेज बोलो तो यही है, अभी इसको जो इसके मतलब पॉजिटिव मतलब एस्पेक्ट्स हैं उसको मतलब मद्देनज़र रख के बच्चे या इवन कि बड़े भी यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर इसको नेगेटिवली यूज़ करोगे या एक्सेस में यूज़ करोगे तो फिर नेचुरली ये तो है ही है नेगेटिव इफेक्ट। मतलब अभी हमारा 2020 में जो लॉकडाउन लगा था वो टोटली मतलब मोबाइल्स और लैपटॉप्स पे डिपेंडेंट था, जो भी हमने किया मोबाइल्स और लैपटॉप से किया, मतलब इवन कि टीवी हमारा कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, जो भी सोर्स थे वो यही थे। तो मतलब आप बोल रहे हो कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो मतलब इस पर आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि हमारा तो वो साल ही मोबाइल्स और लैपटॉप्स पे गुजरा है। बिल्कुल सही बात है मैम, हमने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग मतलब करवाने की कोशिश की बच्चों की, नेचुरली वो फिर अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा मतलब कोई भेजेंगे ऑनलाइन, कोई मतलब अपना कोई भी मटेरियल भेजेंगे बच्चों को या कोई बच्चा वीडियो हमें दिखाएगा अपना, तो वो
था ही वो भी, वो मोबाइल यूज़ करना ही पड़ा हमें, पर फिर भी बच्चों को साथ साथ गाइड कर रहे थे भी जब तक ये पीरियड चल रहा है तब तक हम इसको यूज़ करेंगे, वो भी उसी हिसाब से यूज़ करेंगे जब तक हमने इससे कुछ अपना ट्रेनिंग से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ लेना है। तो टीवी का आप बोल रहे हो, अगर टीवी में देखें तो मुझे लगता है अभी टीवी में उस टाइम के दौरान ही कुछ ऐसे मतलब सीरियल्स आए हैं जैसे महाभारत रामायण द्वारा आया ना, तो जो मतलब कह सकते हैं हमारे टाइम में थे, बच्चों को नए मतलब नहीं पता था वो उस हिसाब से, अगर बच्चे ने कुछ सीखना हो तो उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। मतलब जो हमारी अब लाइफ है ना वो टोटली डिपेंडेंट हो गई इन गैजेट्स पे। जैसे अभी आप शायद मुझे नहीं पता, आप मतलब अगर आपने टाइमिंग चेक करनी है तो आप फ़ोन यूज़ करते हो या स्टॉप वॉच यूज़ करते हो? मैं तो स्टॉप वॉच ही में बेसिकली, हमारी स्टॉप वॉच में मतलब ऐसे टाइम होता है स्प्लिट करके, उसमें 100 टाइम तक आ जाती है मेमोरी, मतलब 100 टाइम्स की होती है, वन से टाइम मतलब 100 मतलब मेमोरीज होती है उसमें, करें हमें तो मोबाइल का नहीं है, स्टॉप वॉच से यूज़ करते हैं। आप अपनी लाइफ में कितने टाइम के लिए एक दिन में कितने आवर्स देते हो अपने फ़ोन को? मैम हो ही जाता है, मैम नाना करते करते भी मतलब 1.5-2 घंटे तो कह ही सकते हैं मैम, मतलब वो तो हमारी तो मतलब जैसे वही प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आजकल जो मतलब हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी मतलब लेटर आता है या कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो भी मतलब कि व्हाट्सएप ही आती हैं या ऑनलाइन आती हैं, तो नेचुरली वो तो यूज़ तो करना ही पड़ता है हमें भी, पर कोशिश हम भी करते हैं अभी, वही तो बच्चों को समझाते हैं भी हमें फ़ोन से दूर रहना मुश्किल हो जाता है अभी, अगर एक बार अडेप्टेशन हो जाए या हैबिट बन जाए तो वो तब हमें निकलना होगा मतलब मुश्किल हो जाता, तो फिर आप तो कहाँ निकल पाओगे बच्चे ना। तो आप एक एथलेटिक्स के कोच हो, तो मैं कहना चाहूँगी आप इस देश के नौजवानों को जो बच्चे एथलेटिक्स करते हैं उनको एक कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें। मैसेज मैम यही है भी आप अपना वही जो मैंने पहले ही बोला है भी इस चीज़ को इस हिसाब से यूज़ करो भी, इसका जो भी मतलब नेसेसिटी है नेसेसिटी के तौर पे यूज़ करना पड़ रहा है हमें, कोई अपना आपके एकेडमिक से रिलेटेड आपको कोई मटेरियल उस पर आ रहा है तो नेचुरली वो अपने यूज़ करना ही करना है ना, तो ना कि इसको इस हिसाब से यूज़ करो भी ये मतलब एक डिस्ट्रैक्शन का मतलब सोर्स बन जाए आपके लिए, आप अपने जो भी फील्ड में हो चाहे स्पोर्ट्स है या किसी और फील्ड में, तो उस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो इस हिसाब से आप इसको यूज़ करो सारे। तो ये थे एक एथलेटिक्स कोच जिनका कहना है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब कम से कम यूज़ करें और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। ये थी इनकी पर्सनल राय, आगे बात करेंगे कुछ और लोगों के साथ। सर स्वागत है आपका हमारे शो आपकी राय में। थैंक यू मैम। आपका नाम और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मेरा नाम निपुण नैयर है और मैं यहाँ पे 2 टाइम प्रैक्टिस करता हूँ सुबह शाम, और मैं लवली में फिजियोथेरेपी करता हूँ बैचलर्स आई मीन फाइनल ईयर। तो सर जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल हमारी जो लाइफ है उसमें हम फ़ोन इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप्स इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? जिसको यूज़ करना आता है उसको तो करना चाहिए, लाइक अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता है कि चाहे वो एथलीट हों चाहे वो लॉ कर रहे हों चाहे किसी भी स्ट्रीम में, एक चीज़ है उनको पार्टी करना बहुत पसंद है, जितने भी दोस्त हैं लाइक वो ड्रिंक करते हैं वो स्मोक करते हैं, चाहे वो कोई भी है लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता, लेकिन रात को लाइक हुक्का करते हैं, अभी कल लोहड़ी थी आपको पता पहले पतंग उड़ाते थे या रात को आग लाते थे, अब हुक्का चल रहे हैं साथ में, तो मोबाइल्स में मोस्टली बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, अभी रिलेशनशिप में भी लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग गए हैं, वो ये नहीं देखते कि हम पहले अपना फ्यूचर देखें, क्योंकि जो अभी जैसे डिग्री के 3-4 जो साल आते हैं वो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें वो आपके जो अगले 30-40 साल हैं वही मैटर करते हैं। तो मतलब सर हमारा इस पर एक अहम मुद्दा है कि जब हम कोरोना के टाइम पे थे तब हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो इन मोबाइल्स और लैपटॉप्स पे ही थी, हम घर से काम कर रहे थे या ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे तो वो इनसे ही लगा रहे थे, अगर उस टाइम पे मोबाइल्स और लैपटॉप्स ना होते तो हमारी लाइफ कैसी होती? मतलब आप बोल रहे हो कि इनका यूजेज मतलब बैड है बुरा है, तो मतलब उस टाइम तो हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते इनके बिना, क्योंकि सारा कुछ डिपेंडेंट ही इन पे था, उस पे आप क्या बोलोगे? देयर इज अ थिंग लाइक ओवर यूज, सो मैं कहना चाहूँगा कि पहले जब फ़ोन नहीं थे लेकिन जब बाद में टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो अब फ़ोन भी यूज़ होते हैं, तो यूज़ तो हम करते हैं फ़ोन पे जो डेली यूजेज है वो तो करते हैं, लेकिन जो बाद में जो इंस्टाग्राम ये वगैरह वो तो बैड इफ़ेक्ट दे ही रहे हैं, तो उनका जो बैड इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब सर आप कहते हो कि जैसे ये बुरा है, पर अगर मैं आपसे नॉर्मल सी बात है अगर टाइम पूछूं तो आप अपना फ़ोन उठाओगे, आप घड़ी की तरफ नहीं देखोगे, मतलब एक एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है हमें फ़ोन्स को लेकर, रात को सोने से पहले बेड पे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उठने के बाद हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? अब जैसे अगर टाइम किसी ने देखना है तो हम वॉच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के पास अभी वॉचेज़ नहीं होती हैं, किसी के पास नहीं होती तो ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते ही हैं,
तो जो नॉर्मल थिंग्स हैं जिसको हम ADLs बोलते हैं, लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो हम कहते हैं, फिजियोथेरेपी में टर्म बहुत यूज़ होती है, तो मोस्टली पीपल लाइक अगर आप टाइम भी देख रहे हो तो उसका ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि, लेकिन अगर आप 3-4 घंटे आप फ़ोन चला रहे हो रात को सोने से पहले तो वो बहुत बैड इफेक्ट देगा। अगर अगले दिन आपकी जॉब है 9 to 5 है तो आप अच्छे से नहीं वहाँ पर ध्यान दे पाओगे। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ कि एक फ़ोन को यूज़ करने पे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर आप समझ लीजिए आप एक नॉर्मल डेस्क जॉब करते हैं ऑफिस में, 9 to 5 जाते हैं, तो मोस्टली जो है आप 9 to 5 एक जगह बैठे रहते हैं, तो आपका पहले तो पोस्चर बहुत इफेक्ट हो रहा है, आप बैठे रहते हैं एक जगह, और ऊपर से आप स्क्रीन भी बहुत देख रहे हैं, आपके मोस्टली ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं उनके देखा होगा आप, उनके चश्मे लगे होते हैं तो उनकी आईसाइट बहुत वीक हो जाती है, और समझ लीजिए आप आपकी 5 बजे जॉब ख़त्म होती है, आप सीधा घर जाते हैं, आप फिर से फ़ोन चला रहे हैं, तो लगा लीजिए आप 24 hours ऑलमोस्ट अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर बीच में जितना घंटे सो भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होगा आँखों पर। और बॉडी पोस्चर आपका स्लाउच हो जाएगा, आपके जो नेक मसल्स जो है ट्रैप्स हैं वो वहाँ पर स्पैज़म आ सकते हैं, बाकी स्पाइन का पोस्चर ख़राब हो सकता है। कोई एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन के यूजेज पे? जो करना है लिमिट में करो, पहले सुबह उठने से पहले एक टाइम शेड्यूल बनाओ, तो उससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मोबाइल्स हम लाइक हम ख़त्म नहीं कर सकते यूजेज करना, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फ़ोन करने होते हैं, ये वगैरह करने होते हैं, लेकिन हर एक चीज़ हमें लिमिट में करनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो ये कहना चाहते थे कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो बुरा ही है, तो ये थी इनकी पर्सनल राय। तो आ गए और लोगों से बात करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है और आप बाय प्रोफेशन क्या करते हो? मेरा नाम हरनूर सिंह है और मैं प्लस 1 स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, आर्ट्स आर्ट सेक्शन में। तो सर जो हमारी डेली यूजेज है लाइफ की, जो ये हमारी लाइफ की डेली यूजेज है, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे कि अब तो स्टडीज़ में ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ठीक है, आप स्कूल नहीं जा रहे थे, लॉकडाउन था, तो उस पर आपकी लाइफ में मोबाइल और लैपटॉप्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ा? इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ा है कि मतलब स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ना है उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ लेना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने स्कूल जाके भी नहीं पढ़ना, तो इफेक्ट तो पड़ता है, वो डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पर उसने कैसे अपने अच्छा करना अच्छा बुरा करना अपने के लिए, और बाकी टाइम पास के लिए तो बढ़िया ही है, मतलब लूडो वगैरह फैमिली टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं फ़ोन के साथ, इस बार हुआ लूडो बहुत मतलब खेली है, लूडो बहुत खेली है आपने लॉकडाउन में। तो सर मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि क्या इफ़ेक्ट है, इसका अच्छा इफेक्ट है या इसका बुरा इफेक्ट है? इफेक्ट 50-50 कह सकते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, हम लिमिट से तो हर चीज़ वधिया होती है, लिमिट से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो फिर वो नेगेटिव वाले पास में जाएगी। आप डेली में कितने आवर्स अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हो? डेढ़ से दो घंटे ज़्यादातर 1.5 से 2 घंटे। हाँ, जैसे एक हमारी ना आदत बनी हुई है, बेड पे लेटने के बाद हम फ़ोन यूज़ करते हैं, सुबह उठने के बाद हमारे पास फ़ोन होता है, रात को सोने से पहले फ़ोन होता है, टाइम देखना तो फ़ोन, किसी का मैसेज, किसी मतलब मैसेज आते नहीं है पर हम क्यूरियोसिटी के साथ उसको चेक करते हैं बार बार, फ़ोन, मतलब सारा दिन हमारी लाइफ फ़ोन से घिरी हुई है, किसका बर्थडे याद रखना है तो फ़ोन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इदा फिर कि हम जो बर्थडे वगैरह होते बंदे आप याद रखने चाहिए ने, चलो स्पैशल जो बंद होंगे उन्होंने तो याद होंगे ही ने, बाकी हाँ जी अजकल इंस्टा फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अजक उन्होंने होए पे ने एडिक्ट होए पे ने इन्होंने चीज़ों गलत गल है जो कि पेरेंट्स में संभालना चाहिए उन्होंने इस बारे। एक एडिक्शन की बात की, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो इसको आप क्या कहना चाहोगे, मतलब इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या इसके मतलब रिजल्ट्स होंगे? रोकने के लिए मतलब उनको आउटडोर स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए रोकने के लिए, जैसे उन ग्राउंड आते हैं प्रैक्टिस करते हैं उन फ़ोन की तरफ ध्यान कम जाता है, ध्यान कट जाते हैं, हम जो घर होंगे तो फिर ध्यान उधर ऑब्वियसली जाने ही कोई काम नहीं होएगा करने है ना, हूँ पहले होंगे सी छोटे होंगे बैड क्रिकेट भी खेलते सी बैडमिंटन भी खेलते सी, हूँ अजकल नहीं खेलते है ना बच्चे, वो सारा दिन फोन ची अपनी फ्री फायर हो गई, अगर पबजी ने बहुत काम खराब किया जी, वो चीज़ों को घट करने बच्चे आउटडोर स्पोर्ट्स वाल ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो बाकी उन्होंने हॉबीज़ वाल थोड़ा उन्होंने करना चाहिए कि हाँ भी ये चीज़ मैं अपनी होर वधिया कराया कुछ होर। जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती थी लॉकडाउन में लगी, उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा आप पे, मतलब ऑफलाइन अच्छा था या ऑनलाइन सही रहा आपका लिए आपके लिए? नहीं अच्छा तो ऑफलाइन ही है, मतलब एक तरह का मतलब जिमें फ्रेंड्स नू मिलना भी होंगे कि जावे मिलेंगे है ना, पढ़ाई का फिर उदा ही है कि जिन्हें पढ़ना उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ना, जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें ऑफलाइन भी नहीं पढ़ना, ये तो हूँ होंगे कि वधिया सी फिर भी वधिया निकल गया टाइम जो भी सी।
तो ये थे इनकी राय कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरा ही है, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका हमारे शो आपकी राय में। आपका नाम और बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो? माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह, आई एम वर्किंग इन आईटी सेल्स इंडस्ट्री एंड आई एम अ पार्ट ऑफ यू नो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टीम। यस। और मैम आपका नाम? मेरा नाम अमनदीप कौर है एंड आई एम अ हाउसवाइफ। ओके सर, जो हमारे यहाँ पिछले साल लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो उस टाइम पे हमारे क्या थे? डिपेंडेंसी टोटली फ़ोन और लैपटॉप्स थे, हम घर पे बैठ के काम कर रहे थे, फैमिली के साथ थे, पर फिर भी हम डिपेंडेंट थे लैपटॉप्स और फ़ोन्स पे। उस पे आप क्या बोलना चाहोगे? सी देखो, अगर आप लैपटॉप्स और गैजेट्स की बात करते हैं तो यस, वी वर डिपेंडेंट ऑन ओनली गैजेट्स, बट अर्लियर वी वर नॉट, राइट? बिकॉज उससे पहले क्या था कि बच्चों को इतनी हैबिट्स नहीं थी, तो इससे पेंडेमिक से कुछ फ़ायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ है। लाइक अगर बच्चों की बात करते हैं तो आज की डेट में बच्चे बहुत डिपेंडेंट होंगे हैं फ़ोन्स पे, ठीक है? लाइक स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं। अर्लियर दे वर जस्ट यू नो बुक रीडिंग काइंड ऑफ स्टफ, दैट्स इट। बट अभी क्या, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो गया है, और थोड़ा सा एक अगर ड्रॉबैक की बात करेंगे तो आई साइड पे थोड़ा सा इफेक्ट उसके डेफिनेटली इन फ्यूचर हमारे बच्चों को दिखेंगे वो। मैम आपकी लाइफ में मोबाइल और गैजेट्स ये होते हैं क्या रोल प्ले करते हैं? प्ले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक पार्ट बन चुका है। आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन हो चुका है, इवन अगर देखा जाए एजुकेशन है तो वो ऑनलाइन है, इवन कुछ भी अगर आप मेडिकेशन के लिए भी जा रहे हो, मेडिकल के लिए भी जा रहे हो, तो भी आप ऑनलाइन ही करते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है। अब जैसे अब पेंडेमिक जैसे सिचुएशन थी उस हिसाब से तो देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए तो अब तो बहुत ज़्यादा है कि तो अभी आप पार्क में आए हो तो आप अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने आए होगे, पर इसी के बीच आप मतलब कभी भी आप देखो आप फ़ोन यूज़ करते हो, फैमिली टाइम दे रहे हो पर फिर भी आप उसमें फ़ोन यूज़ करते हो, ये होती है एडिक्शन। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, एडिक्शन किसी भी चीज़ की वो ह्यूमैनिटी के लिए हमारे लिए लॉस है बहुत बड़ा। अगर आज की डेट में अगर हम गैजेट्स की बात करते हैं, जैसे अभी मेरे पास भी फ़ोन है, अभी मेरी पॉकेट में फ़ोन नहीं है बट मैं मिस कर रहा हूँ उसको, मेरी फैमिली मेरे साथ है बट मैं अपने फ़ोन को मिस कर रहा हूँ। मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है फ़ोन कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। अगर रात को भी उठते हैं तो हम अपने गैजेट्स को बार बार स्क्रीन ऑन करके देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, अलर्ट, कोई कॉल मिस तो नहीं हो गई। तो यस, इसका ड्रॉबैक भी है, अगर इतने हम यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ के। आप अपनी लाइफ के 24 घंटों में से कितने घंटे देते हो अपने फ़ोन को? सी मैं वैसे आईटी इंडस्ट्री का पर्सन हूँ, तो आप कह सकते हो कि अगर रात को अगर 8 घंटे सोता हूँ तो अपार्ट फ्रॉम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद और 1 घंटा लंच, इसको निकाल दो, बाकी सारा टाइम मेरा गैजेट्स पे है। इतना टाइम तो मतलब आप अपनी वाइफ को नहीं देते जितना फोन को देते हो। ये बता देंगे बाकी ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि आपको पता ही है कि जितना आईटी में इन चीज़ों के ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं क्योंकि इनका सारा टाइम ही मोस्टली इन चीज़ों में ही जाता है। जैसे अगर कोई मेल है या कुछ है, कोई रिप्लाई करना है, कोई कुछ करना है, तो हर टाइम में 24 घंटे लगा रहना है कि फ़ोन पे कि हाँ भाई कोई आ रहा है, मैसेज तो नहीं आ रहा, कोई मेल तो नहीं आ रही, मुझे रिवर्ट करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। बाकी रही बात अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, वो भी होता है बट समटाइम्स ज़्यादातर फ़ोन पे ही होता है। आपके बच्चे होंगे, आप उनको मतलब वो जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होती होगी कि सारा टाइम फ़ोन में लगे रहते हो, तो मतलब उनको आप कैसे रोकते हो, कैसे उनको मतलब अवॉइड करवा सकते हो ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए? अवॉइड तब करवा सकते हैं या तो उनका मन किसी चीज़ में डाइवर्ट किया जाए, जैसे लाइक हम उनको टॉयज दें या फिर हम उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जैसे खेलने के लिए कि फोर्स करें आप ये प्ले करो, या हम भी क्योंकि अब आजकल ये सिचुएशन है कि हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं इतना ज़्यादा तो हम घर पर ही रहते हैं, तो फिर हम वो बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ खेलें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। तो ऑब्वियस है अगर आपको उस चीज़ से हटाना है तो आपको खुद भी टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा बच्चों के साथ। एज पेरेंट्स मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक छोटा सा एक मैसेज दें आप हमारे जो भी हमारे बच्चे हैं या दर्शक हैं जो देख रहे हैं ये हमारा शो, कि वो अपने फ़ोन को कैसे कम से कम इस्तेमाल करें, कैसे फैमिली टाइम स्पेंड करें। देखो,
फ़ोन्स यूज़ करने इट्स नॉट ए बैड हैबिट बट इसकी एडिक्शन वो बहुत गलत चीज़ है। एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, जैसे लाइक हर चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को लिमिट में यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा हो रहा है तो ये चीज़ गलत है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम इसको ज़्यादा ना देकर बच्चों को डाइवर्ट करने की ज़्यादा कोशिश करें कि अपने से ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाएं या उनके साथ हम प्ले करें, गेम्स को प्ले करें, उनको चीज़ नॉलेज में नॉलेज करवाएं, मतलब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाएं। आज हमने मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स की अहमियत जानने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए। कैमरामैन विकास के साथ मैं एकता सिंगला आपसे विदा लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।